तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1.16 थोड़ा पढ़ लेते क्वेश्चन को. व्हाट इज द नेट मार्क्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15. दैट मीन 1.16 करने के लिए 1.15 क्वेश्चन को भी दे देंगे. मान लो उसका तीसरा पार्ट इधर से 1.16 इज द थर्ड पार्ट ऑफ 1.15. ओके. थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर. क्यूब का साइड क्या 20 सेंटीमीटर. ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. कोऑर्डिनेट प्लेन जानते हो, एक्स वाई वाई जेड है ना, ये सारे प्लेन जो है कोऑर्डिनेट प्लेन है. हमारे पास क्यूब नहीं है, लेकिन सोच लो कि ये वाला क्यूब है, मान लेते क्यूब वाइड है, लेकिन क्यूब समझ लीजिए. तो इसको कैसे रखा भाई, हमने पहले क्या दिया था, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस. तो ये वाला सरफेस किसके साथ पैरेलल है, ये वाला उस दीवार के साथ पैरेलल है, ये वाला इस दीवार के साथ पैरेलल है, ये वाला छत के साथ पैरेलल है, ये वाला फ्लोर के जहां पे हम खड़े उसके साथ पैरेलल है, ऑल आर पैरेलल. तो तिरछा बिछा नहीं कर पाओगे, पैरेलल पैरेलल हुआ तो क्या हुआ, फील्ड तो इसी डायरेक्शन में. कौन सा वाला फील्ड लेना है, जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.15 का फील्ड को लेना है. तो फील्ड इधर आ रहा है. अभी इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगी फील्ड भी, इस डायरेक्शन में नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में. यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. अभी इसमें क्या, फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस वाले फेस को हम लोग लेंगे तो इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर और नॉर्मल का डायरेक्शन इधर. तो कितना एंगल होगा, 180. नो, फील्ड इधर, नॉर्मल इधर. नॉर्मल क्या होता है, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन. तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में, फील्ड इसी डायरेक्शन, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 0. यहाँ कितना होगा, तो फील्ड इधर, नॉर्मल ऊपर, एंगल कितना 90. यहाँ पे कितना, फील्ड इधर, नॉर्मल इधर 90. यहाँ पे कितना, ये नॉर्मल, ये फील्ड कितना 90. इधर कितना है नॉर्मल, इधर फील्ड, इधर तो 90. तो cos 90 हुआ तो इधर तो 0 हो गया. ओके okay? तो हम लोग बोले इसको, इस फेस को इस तरीका से हम लोग बोलेंगे. दो फेसेस में क्या होगा, ये जो टॉप फेस एंड बॉटम फेस पे है वो क्या हो जाएंगे, 0-0 हो जाएंगे दोनों. ये दोनों फेस में क्या होगा, 0-0 हो जाएंगे. यहाँ पे कितना होगा, EDS हो जाएंगे इधर, और इधर पे कितना होगा, -EDS. इधर -EDS, इधर +EDS. बिकॉज़ पॉजिटिव 1 है और cos 180 -1. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा. क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया निखिल, निधर से अच्छा एक दो बार आग, अच्छा मतलब काफी कॉन्सेंट्रेट से सुनते ना, जिस तरह आँख बंद करके सुनते तो अच्छा ही. अच्छा ठीक है, कभी कभी किसी किसी का आँख बंद हो जाए, बेटा कॉस्ट लो है, कभी कभी जैसे सरफेस को क्लोज करना पड़ता है, कभी क्लोज नहीं सही क्या, नहीं ये नहीं बोला कि कॉस्ट लो पढ़ने के लिए भी तुम्हारे जो आँख का सरफेस जो है क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए नहीं था जाते ठीक है. अच्छा तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0. देख पाओगे चार सरफेसेस में, चार फेसेस में क्या होगा, 90 90 90 90, चार फेसेस में. तो फेसेस का नाम मान लो कि कैसे बोले हम लोग इसको, टॉप बॉटम टेबल फ्रंट बैक और इवन राइट लेफ्ट, बस ओके. तो फेस कर लेते हैं, कितना बोला था, क्या क्वेश्चन में पूछा था, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स oriented, what is the net flux of uniform field through the cube. उसके जो face मतलब front का, front की तरफ जो face हम लोग ले रहे हैं वहां पे theta कितना, 0 degree. face back में, back side, front वाला back वाला, वो कितना, theta 180. यहाँ पे जो flux हुआ front वाला कितना, e ds cos 0 degree. बेटा ds का वैल्यू पुट करना तो कर देना, उतनी ही रहेंगे
फील्ड तो उतनी है, फील्ड कितनी थी बेटा? 3 × 10⁻¹⁰ का होल स्क्वायर है ना, 20 काट दिया। अच्छा 20 काट दिया ठीक सेंटीमीटर का, मतलब क्यूब भी है इनटू 6 सर, क्यूब सर स्क्वायर क्यूब है सर, मतलब 22 10⁻²² का क्यूब होल क्यूब है ना। एक मिनट, एरिया है ना बेटा, एरिया होता है ना, कोई क्यूब और कुछ हो तो एरिया ही होगा, एरिया देता है ना बेटा, बोलो नहीं ठीक है ना, होल स्क्वायर हुआ तो इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो, और स्पेस में कितना होगा क्यू बैकवर्ड ई डी एस कॉस एक्स वाई डिग्री, तो दैट मीन्स -3 × 10⁻³ इंटू 20 × 10⁻²² का होल स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। ओके इतना हुआ। अभी फेस जो मतलब टॉप बॉटम का ले लेते हैं, टॉप का कितना 90 डिग्री, तो फाइव भी कितना हुआ 0 हो गया, सॉरी फ्लक्स विथ टॉप 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे ई डी एस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। अच्छा फ्लक्स बॉटम ये भी 90 डिग्री, फ्लक्स बॉटम कितना ई डी एस कॉस 90 डिग्री ये भी 0। फ्लक्स थ्रू कौन सा साइड बोलेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट 90, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड दैट इज ई डी एस कॉस 90 डिग्री दैट इज ऑल्सो 0। फ्लक्स राइट तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाइव आर इक्वल्स ई डी एस कॉस 90 डिग्री ए भी 0। टोटल कितना 0 0 0 प्लस माइनस होने के 0, नेट फ्लक्स कितना हुआ 0 हो गया ठीक है। यूनिट लिखना चाहते तो 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ठीक है, अंडरस्टूड क्लियर बात। ओके नेक्स्ट शुरू कीजिएगा 1.17। ठीक है बेटा, हो गई।